हेलो दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस बार रक्षाबंधन, इस बार यानी 2020 में रक्षाबंधन 3 अगस्त 2020 को पड़ रहा है और आज के दिन यानी रक्षाबंधन के दिन सावन सोमवार भी पड़ रहा है, यानी सावन का लास्ट सोमवार पांचवा सोमवार पड़ रहा है। तो इस दिन बहुत सारी बहनें रक्षाबंधन भी मनाएंगी और भगवान भोलेनाथ का व्रत भी रहेंगी। दोस्तों, इस बार का रक्षाबंधन जो है बहुत विशेष मुहूर्त में पड़ रहा है, यानी इस बार ना कोई भद्रा काल है ना कोई ग्रहण है, पूरे दिन रक्षाबंधन का एक शुभ संयोग बना हुआ है। और शुभ संयोग बनने का कारण भी है दोस्तों, क्योंकि इस दिन श्रावणी नक्षत्र भी है और सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। दोस्तों, माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी थी, इसीलिए जो है रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, एक जगह तो ये भी लिखा हुआ है कि द्रौपदी ने कृष्ण जी को राखी बांधी थी और इसीलिए तभी से हम लोग यह पर्व मनाने लगे। तो आप भी भाई बहन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाइए, क्योंकि ये त्यौहार जो है भाई की उन्नति सफलता में उनको काफ़ी मददगार साबित होता है और बहन को एक विश्वास दिलाता है कि उनके भाई जब तक हैं उनके मान स्वाभिमान, उनके ऊपर आने वाली परेशानियों पर कहीं भाई ही आगे बढ़ कर के सामना करेंगे, उनके ऊपर कहीं किसी प्रकार की आंच नहीं आने देंगे। तो आप भी रक्षाबंधन का त्यौहार जो है काफी हर्ष उल्लास से मनाइए। देखिए, सुबह सबसे पहले जगना चाहिए और जगने के बाद आपको स्नान वगैरह से निवृत्त होकर के और रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त मैं आपकी आगे वीडियो में आपको देने वाली हूँ। तो आप एक शुभ मुहूर्त, एक समय देख लीजिए, भाई को भी बोल दीजिए कि वो भी स्नान करके आ जाएं और पूर्व दिशा के मुँह में, अगर मुँह करके संभव हो तो पूर्व दिशा के तरफ भाई को मुँह करके बैठा दें और बहन जब बैठे तो उनका मुँह उत्तर दिशा की तरफ हो। तो इस तरह से बैठ जाइए आप लोग और रक्षाबंधन की थाली रख लीजिए। अब रक्षाबंधन की थाली में आपको रखना है रोली और अक्षत रखना है, यानी बिना टूटे चावल रखना है और कुछ मिठाइयाँ रखनी है। मिठाइयाँ वो ही रखें जो आपके भाई को अच्छी लगे, पसंद आए तो वो मिठाइयाँ रखें, राखी रख लें, थोड़ा से फूल मिल जाए तो वो रख लें और एक दीपक जरूर रख लें। दीपक रखें भाई की आरती करने के लिए। तो जब आप क्या करें कि भाई को सबसे पहले तिलक करें, तिलक आप करने के बाद जो अक्षत यानी बिना टूटे चावल हैं वो भी भाई के माथे पे लगा दें और जब भी आप भाई को तिलक करें थोड़ा सा जो रोली होती है उसमें गंगा जल भी मिला लें, तो वो लगा करके भाई को तिलक करें। तिलक करने के बाद आपको भाई का मुँह मीठा कराना, सॉरी, आपको भाई के हाथ में राखी बांधना है, मुँह मीठा कराना है, उसके बाद उनकी आरती उतारनी है। तो इस तरह से करके आप भाई को राखी जरूर बांध दें। राखी बांधते समय आपको ध्यान देना है कि आपका और आपके भाई का सर खुला हुआ नहीं होना चाहिए। दोस्तों, जब हम कोई पूजा पाठ करते हैं, शुभ कार्य करते हैं, तो उसमें हमें ध्यान देना होता है कि हमारा सर खुला ना हो। दोस्तों, उसका जो हमारे शास्त्र हैं वो ये कारण बताते हैं कि हमारे शरीर की ऊर्जा जो हम पूजा पाठ करके या जो अच्छे कर्म करके एकत्रित करते हैं वो हमारे सर के माध्यम से ऊपर जा सकती है। तो इसीलिए विधान है कि इन सब काम को करते हुए हमारे सर पे एक कपड़ा रखा जाए। दोस्तों, आपने देखा होगा कुछ बुद्धिजीवी लोग सर के ऊपर जब कोई चीज़ नहीं मिलती है तो हाथ ही अपना रख लेते हैं, क्योंकि इससे भी हमारे शरीर में जो अच्छी ऊर्जा होती है वो हम तक समाहित होती है। दोस्तों, रक्षाबंधन हमेशा शुभ, हमेशा दाहिने हाथ में, भाई के दाहिने हाथ में ही रक्षाबंधन बांधना चाहिए और रक्षाबंधन की थाली में जो चीज़ें मैंने बताई वो आप रख लीजिए और भाई को आज के दिन उनकी पसंद की चीज़ें ही बना करके खिलाएं। इससे उन्हें काफ़ी अच्छा लगेगा और काफ़ी उन्हें लगेगा कि हाँ, मेरी बहन जो है वह मेरी पसंद नापसंद को समझती है। तो इससे क्या होगा कि अगर आप भाई बहन दूर दूर रहते हैं और कभी कभी त्योहारों पर मिलते हैं तो इससे भी आपका जो पुराना स्नेह है वो जग उठेगा और आपके भाई आपके प्रेम को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। देखिए, ये प्रेम समझने और समझाने वाली बात नहीं है, ये रिश्ता जो एक अनुभूति है जो कि हमेशा हमारे मन में, आपके मन में, सबके मन में एक एहसास दिलाता है। फिर भी त्यौहार के रूप में हम इन्हें ज़रूर मनाएं। इसे मनाने से हमारे अंदर जो है वह जो पुराने एहसास है जो कि हम कभी कभी मिलते हैं और साथ रहते हैं वो सारी चीज़ें, वो यादें जगने लगती हैं। और देखिए दोस्तों, सबसे पहले इस त्यौहार को, मतलब ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि सबसे पहले माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी थी और एक जगह ये भी मिलता है कि जो द्रौपदी जी थी वो भी कृष्ण को राखी बांधी थी। तो इसीलिए भगवान कृष्ण ने द्रौपदी जी की लाज बचाई थी और तभी से रक्षाबंधन का पर्व जो है, त्यौहार जो है वो मनाया जाने लगा।
और दोस्तों भाई को राखी बांधे तो कोशिश यही करें कि लाल या पीली इसी तरह की राखी बांधी को भाई को बांधे लाल पीली जो रेशमी धागे होते हैं वो राखी जरूर बांधे। नीले काले इस रंग के धागों से परहेज ही करना चाहिए। और दोस्तों रक्षाबंधन का जो शुभ मुहूर्त है वो एक बार फिर बता रही हूँ आपको कि अभी आपको मिलने वाला, यानी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं जैसी आपकी इच्छा है। और जब भी आप रक्षाबंधन करें तो उस समय ध्यान रखें कि सिर ढका होना चाहिए और देखिए तुरंत भाई को राखी नहीं उतारने देना चाहिए, यानी आपको बताना चाहिए कि जब आप राखी बांध रही हैं तो भाई को बोलिए कि तुरंत वो राखी को उतार करके न फेंके। रक्षाबंधन के बाद गोगा नवमी आती है तो शास्त्र के अनुसार तो यही नियम है कि भाई गोगा नवमी पे ही राखी उतारें, पर अगर उस टाइम तक राखी नहीं रख पाते हैं वो तो एक या दो दिन बाद ही राखी उतारें, तुरंत राखी बांधने के बाद को राखी को नहीं उतारना चाहिए। दोस्तों एक और आता है आपका प्रश्न कि भाई अगर आपसे दूर हैं तो क्या करें। दोस्तों ये तो पुराने समय से चला आ रहा है कि जब बहनें भाई से दूर होती हैं तो कुछ दिन पहले ही राखी खरीद करके पोस्ट के माध्यम से भाई तक भिजवा देती हैं। और घर में अगर कोई भी है, मम्मी है, बहन है, या फिर अगर छोटे बच्चे हैं तो किसी से भी आप बोलें कि वो भाई को राखी बांधें, तिलक लगाएं, उनकी आरती करें। तो इससे भी करके जो धागा आपका है यानी जो रक्षा सूत्र आपने भेजा वो आपके भाई तक पहुंच गया, आपके भाई ने आपका रक्षा सूत्र बांध भी लिया, तो इससे भी आपका रक्षाबंधन जो है कि वह संपूर्ण हो जाता है। एक और आपका प्रश्न है कि अशुद्ध अवस्था में आप हैं तो राखी बांधें या नहीं बांधें। तो देखिए दोस्तों अगर आप अशुद्ध अवस्था में हैं तो घर में कोई भी है तो आप उससे बोलिए कि भाई को तिलक करें, उनको आरती करें, और आप क्या करें कि सिर्फ उन्हें रक्षा सूत्र बांधें यानी राखी बांधें, और राखी बांधने के बाद आप उनका मुंह मीठा करा लें। और घर में बाकी अगर कोई है, आपके बच्चे हैं, आपकी बहन है, कोई भी है, तो आप उनसे बोल करके भाई को तिलक करा दें, भाई की आरती करा दें। तो इस तरह से भी करके आप अपना रक्षाबंधन कर सकते हैं। और रक्षाबंधन तक अगर हो सके तो आप रक्षाबंधन तक अनाज का सेवन न करें, अगर कर सकें तो। इससे क्या होता है दोस्तों कि भाई दीर्घायु होते हैं, आयुष्मान होते हैं। तो अगर आप कर सके, अगर आपको देखिए बहुत दूर से अगर भाई को आना है या बहन को आना है तो बहुत टाइम बाद अगर भाई बहन आ रहे हैं, पूरा दिन निकल जा रहा है, तो ऐसे में भूखे रह पाना संभव नहीं है। पर अगर आप लोग साथ साथ हैं और समय पर रक्षाबंधन कर पा रहे हैं तो इस नियम को अगर आप लोग पालन करेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा और शुभ होने वाला है। तो दोस्तों यही सारी कुछ जानकारियां थी जो मुझे आपको देना था। और दोस्तों रक्षाबंधन का जो शुभ समय है वो ये है कि देखिए इस बार पूरे समय पूरे दिन रक्षाबंधन है, यानी 9:00 AM से शाम को मतलब रात्रि के 9:11 AM तक आप राखी बांध सकते हैं। हर बार क्या होता था कि भद्रा होती थी या कोई ग्रहण पड़ जाता था तो इस तरह की दिक्कतें आती थी और राखी बांधने का समय हमें बहुत कम मिल पाता था। पर इस बार दोस्तों ऐसा अद्भुत संयोग है, शुभ संयोग है कि इस बार श्रावणी भी पड़ रही है, मतलब श्रावणी नक्षत्र भी पड़ रही है, और इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग भी पड़ रहा है। तो इस दिन पूरे दिन आप राखी बांध सकते हैं। और अगर किसी विशेष शुभ मुहूर्त की आपको अगर इच्छा है कि इस जो पूरे दिन का शुभ मुहूर्त है वो तो अच्छा और शुभ है ही, और अगर आप चाहते हैं कि कोई विशेष शुभ मुहूर्त हो तो वो भी है दोस्तों 1:00 PM से 4:00 PM तक, और संध्या समय में भी एक बहुत अच्छा मुहूर्त है 7:00 PM से 9:00 PM तक। तो इस समय भी आप अपने भाई को राखी बांध सकते हैं। बाकी पूरे दिन ना कोई भद्रा है और ना ही कोई ग्रहण है, और बहुत अच्छा संयोग है इस दिन आप अपने भाई को राखी बांधें। और अगर आप बड़ी हैं या छोटी हैं तो भाई को चाहिए कि आपसे पैर छू करके आशीर्वाद लें, जरूर लें, क्योंकि आज के दिन अगर बहनें भाई को आशीर्वाद दे रही हैं छोटी या बड़ी तो वो ये भाई के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करती है, भाई के लिए ये काफ़ी पुण्यदायक चीज़ मानी गई है। तो आप भी अगर छोटी हैं या बड़ी तो भाई को आशीर्वाद जरूर दें, और अगर भाई वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि वो बहन का आशीर्वाद आज के दिन जरूर लेना चाहिए। और भाई को ये भी चाहिए कि आप वो अपनी बहन को श्रद्धा के अनुसार कुछ ना कुछ उपहार जरूर दें, यानी रक्षाबंधन करने के बाद कुछ पैसे भी दे सकते हैं, कपड़े, गहने,
मैंने पहले भी कहा कि आप अपने सामर्थ्य के अनुसार भी जो चीज़ें हैं आप उन्हें दे सकते हैं और रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं। तो देने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई बहुत बड़ा उपहार ही दें, जो आपका सामर्थ्य है, जितनी आपकी श्रद्धा है आप उतना ही दीजिए। पर दोस्तों, खाली हाथ कभी भी बहन को राखी बांधने के बाद खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। तो कुछ न कुछ चीज़ें आपको हाथ पे पहन के ज़रूर रखना चाहिए। तो यही सारी कुछ जानकारियाँ थी दोस्तों जो मुझे आपको देना था, और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।